लेकिन आज कुछ सरकार नाम का कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इन लोगों ने सरकार का तमाशा बना दिया है, सत्ता की गंदी लड़ाई चल रही है। हर उनका नेता सीएम बनना चाह रहा है, आपस में इतनी जबरदस्त लड़ाई चल रही है कि सरकार बिल्कुल गायब है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि हम अपनी समस्याएं लेके किसके पास जाएं। तो एक तरफ जहां सत्ता की गंदी लड़ाई चल रही है, दूसरी पार्टियों में भ्रष्टाचार और सत्ता का गंदा नाच चल रहा है, दूसरी तरफ वहीं एक आम आदमी पार्टी है जो पंजाब के विकास और पंजाबियों की तरक्की के लिए दिन रात प्लानिंग कर रही है। अब सब लोग कह रहे हैं और पूरा पंजाब तैयार है कि चुनाव के बाद आम आदमी सरकार पंजाब में बनेगी। सरकार बनने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी पूरी प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैं आपके बीच में आया था, हमने कहा कि हम 300 यूनिट बिजली मुफ्त करेंगे। दिल्ली में करके दिखाई है, झूठ नहीं बोलते। हमने कहा हम 24 घंटे बिजली देंगे, दिल्ली में करके दिखाया है, हम झूठ नहीं बोलते। हमने कहा हम किसानों की बिजली माफ करेंगे, हमने कहा हम पुराने बिल माफ करेंगे। कल मेरी व्यापारियों के साथ मीटिंग हुई, व्यापारियों को भी व्यापारियों के साथ मिलके हम लोगों ने पंजाब के लिए खाका तैयार किया। आज एक बहुत बड़ी और बहुत जरूरी गारंटी देने के लिए मैं आया हूं, वो है स्वास्थ्य की गारंटी, स्वास्थ्य सेवाओं की गारंटी, हेल्थ की गारंटी, अस्पतालों की गारंटी। आज पंजाब के अंदर इतना बुरा हाल है, अगर आप बीमार पड़ जाओ और सरकारी अस्पताल में चले जाओ, पीजीआई छोड़ के सरकारी अस्पताल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में चले जाओ, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में चले जाओ, आप इलाज बिल्कुल इलाज नहीं मिलेगा आपको, तो आपको मजबूरी में प्राइवेट में जाना पड़ता है। जिसके पास भी बेचारे के पास दो पैसे हैं वो प्राइवेट में जाता है, और जब प्राइवेट में जाता है वहां पे बुरी तरह से लूट मची हुई है प्राइवेट अस्पतालों के अंदर। सरकारी अस्पताल में जाओ, वहां ना डॉक्टर मिलेगा, ना नर्स मिलेगी, ना दवाइयां मिलेगी, ना मशीनें काम कर रही हैं, दवाइयों की खिड़की खुलती नहीं है। आज से 7 साल पहले जब हमने दिल्ली में सरकार संभाली थी, दिल्ली में भी यही हाल था, सरकारी अस्पतालों का बहुत बुरा हाल था, सरकारी अस्पतालों में बहुत बुरा इलाज था। 5 साल 7 साल के अंदर हमने दिल्ली के पूरे अस्पतालों, सरकारी अस्पतालों की दशा बदली है। आज पंजाब के लोगों को उनके परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए मैं 6 गारंटी दे रहा हूं, 6 गारंटी। पहली गारंटी, पंजाब के हर बंदे को मुफ्त और अच्छा इलाज मुहैया कराया जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ये मेरा वादा है। मैंने 2 बातें कही हैं, मुफ्त और अच्छा। अगर मुफ्त कहो तो लोगों को लगता है कि मुफ्त चीज तो बेकार होती है। हमारा ये मानना है कि भगवान ने जितनी मुफ्त चीजें दी है वो सारी, हवा मुफ्त दी है, हवा के बिना आप 1 मिनट नहीं रह सकते। हमारा मानना है कि जो मुफ्त चीजें हैं वो बहुत अच्छी होती हैं और उनको अच्छा करके दिखाएंगे हम। तो मुफ्त और अच्छा इलाज, अच्छा इलाज ऐसा कि आप प्राइवेट अस्पताल की तर्ज पे आपको इलाज मिलेगा। दूसरी गारंटी, सारी दवाइयां, सारे टेस्ट
सारा इलाज, सारा ऑपरेशन, सब कुछ मुफ्त होगा। दिल्ली में करके दिखाया, दिल्ली में अच्छा इलाज भी दे रहे हैं, मुफ्त इलाज भी दे रहे हैं। और आप सरकारी अस्पताल में चले जाओ, महंगी से महंगी दवाई, अगर कोई इंजेक्शन आपका 10,000 रुपए का भी आता है, मुफ्त मिलता है आपको दिल्ली के सरकारी अस्पताल के अंदर। आज पंजाब के अंदर अगर आप किसी सरकारी अस्पताल में जाओ, दवाइयां मिलती हैं? नहीं मिलती। डॉक्टर एक पर्ची पे लिख देता है, कहते हैं बाहर से ले लेना दवाई। दवाइयों की खिड़की खुलती नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद हर सरकारी अस्पताल के अंदर सारी दवाइयां मिलेंगी, दवाइयों की खिड़की खुलेगी। हम इंश्योर करेंगे कि सारी दवाइयां मिलनी चाहिए। आज पंजाब के सरकारी अस्पतालों के अंदर कोई मशीन काम नहीं करती, एक्सरे की मशीन काम नहीं करती, या तो मशीनें है ही नहीं, और या मशीनें काम नहीं करती, या मशीनें चलाने वाले नहीं है। दिल्ली में भी यही हाल था, आज दिल्ली के अंदर सारी मशीनें हैं, मशीनें काम करती हैं, और मशीन चलाने वाले भी हैं। पंजाब के भी सारे अस्पतालों के अंदर दवाइयां भी फ्री मिलेंगी, सारी मशीनें भी चालू होंगी, मशीनें होंगी और मशीनें चालू होंगी। अगर किसी का 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का भी ऑपरेशन है, सरकारी अस्पताल के अंदर वो फ्री किया जाएगा। भगवान ना करे आपके घर में कोई बीमार हो, लेकिन अगर आपके घर में कोई बीमार होता है, तो अब उसके इलाज के खर्चे की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसके अच्छे इलाज की अब आपको पंजाब में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी बहुत सारे लोग पंजाब से दिल्ली जाते हैं इलाज कराने के लिए, उनका भी इलाज मुफ्त होता है दिल्ली के अंदर, लेकिन अब आपको पंजाब से दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पंजाब के अंदर आपका अच्छा इलाज होगा, यह हमारी दूसरी गारंटी है। तीसरी गारंटी, हर पंजाब के व्यक्ति को एक हेल्थ कार्ड जारी किया जाएगा। उस हेल्थ कार्ड के अंदर उसकी सारी जानकारी होगी, उसका एक्सरे, उसकी एमआरआई रिपोर्ट, उसको इतनी सारी रिपोर्ट लेके घूमने की जरूरत नहीं है, सारी कंप्यूटर पे होगी। वो बस अपना एक हेल्थ कार्ड लेके, हर आदमी, आपके परिवार में एक बच्चा है उसका अलग हेल्थ कार्ड होगा, आपका माँ है उसका अलग हेल्थ कार्ड होगा, पिताजी का अलग हेल्थ, हर एक बंदे को एक हेल्थ कार्ड जारी किया जाएगा। जिसके पास हेल्थ कार्ड होगा, उसको अच्छे से अच्छा इलाज मुहैया कराने की जिम्मेदारी पंजाब सरकार की होगी। और सबसे शानदार, पूरे कंप्यूटराइज करेंगे सारे सिस्टम को, जैसे दिल्ली के अंदर कर रहे हैं, और उसके अंदर आपका हेल्थ कार्ड, आपका सारा डेटा कंप्यूटर पे होगा। चौथी चीज, दिल्ली में हमने मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं। मोहल्ला क्लिनिक की चर्चा पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। स्वीडन के मुख्यमंत्री हमारा मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए आए, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हमारा मोहल्ला क्लिनिक देखने आए। उस किस्म का मोहल्ला क्लिनिक अब पंजाब के हर पिंड में खोला जाएगा, पिंड क्लिनिक बनाया जाएगा, शहरों में हर वार्ड के अंदर एक अलग क्लिनिक बनाया जाएगा। 16,000 मोहल्ला क्लिनिक, पिंड क्लिनिक और वार्ड क्लिनिक, 16,000 क्लिनिक खोले जाएंगे पंजाब के अंदर। इस क्लिनिक में क्या होता है, मान लीजिए आपको खांसी हो गई, जुखाम हो गई, थोड़ा बुखार हो गया, तो आपको पीजीआई जाने की जरूरत नहीं है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर खुलते नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर आपको ये सारी रोजमर्रा की बीमारियों का इलाज, वहां पे आपके पिंड में मोहल्ला क्लिनिक होगा, वहां चले जाओ, वहां पे आपको इलाज मिलेगा। पांचवी गारंटी, जितने सरकारी अस्पताल हैं बड़े बड़े पंजाब के अंदर, उन सारे अस्पतालों को ठीक किया जाएगा। दिल्ली में भी अस्पतालों की बुरी हालत थी, सारे अस्पताल हमने एयर कंडीशन कर दिया। आप जाके देखो, अब दिल्ली सरकार के अस्पताल सेंट्रली एयर कंडीशन है, प्राइवेट अस्पतालों की तरह है, शानदार। ऐसे ही पंजाब के सारे बड़े सरकारी अस्पतालों को शानदार बनाया जाएगा, अच्छा बनाया जाएगा, वहां दवाइयां मिलेगी, वहां टेस्ट होंगे, वहां सारी मशीनें काम करेंगी, और बड़े स्तर के ऊपर नए सरकारी अस्पताल खोले जाएंगे पंजाब के अंदर। और छठी और आखिरी गारंटी, दिल्ली में हमने योजना चालू की है,
अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, हमने ऐलान किया है कि अगर किसी का रोड पे एक्सीडेंट हो जाए, जो उसको देखे उसको अस्पताल में एडमिट करा दो, चाहे बगल में जितना भी बड़े से बड़ा अस्पताल है, महंगे से महंगा अस्पताल है, आदमी की जान बचाना जरूरी है, उसमें जाके उसको एडमिट करा दो, उसका सारा खर्चा दिल्ली सरकार देती है। पंजाब के अंदर भी किसी का भी एक्सीडेंट होगा, रोड एक्सीडेंट किसी का भी होगा, उस रोड एक्सीडेंट के विक्टिम को उसका पूरा का पूरा इलाज पंजाब सरकार कराएगी, उसको अपनी जेब से एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो ये 6 गारंटी आज मैं पंजाब के लोगों को दे रहा हूं। मुझे बेहद खुशी है कि इतने मायूसी के माहौल में भर्ती की जाएगी, इतने मायूसी के माहौल में जब इतनी राजनीतिक अस्थिरता है, एक आशा की किरण आम आदमी पार्टी के रूप में दिखाई देती है कि कम से कम एक तो पार्टी है जो पंजाब के लोगों की सोच रही है, उनकी बिजली की सोच रही है, उनकी हेल्थ की सोच रही है। यह मेरी आज की गारंटी थी। एक छोटी सी अनाउंसमेंट मुझे करनी है। आज सुबह सुबह लुधियाना के कुछ पत्रकार से मिलने के लिए आए थे और उन्होंने मुझसे निवेदन किया कि आपकी सरकार सर बनना तय है, अगर आपकी सरकार बन जाए तो पूरे पंजाब में 3 शहर ऐसे हैं जहां पे प्रेस क्लब है, जलंधर, अमृतसर और चंडीगढ़। बोले जी बाकी शहरों में भी प्रेस क्लब बना देना। तो मैं आज आपको वादा करता हूं कि हमारी सरकार बनेगी तो जितने भी छोटे बड़े शहर है पंजाब के, सब जगह आपकी सुविधा के लिए प्रेस क्लब बनाए जाएंगे। ये भी गारंटी है। अब अगर आपके कोई प्रश्न है, चेक ओके, यू वर लिसनिंग टू अरविंद केजरीवाल मेकिंग अ प्रेस ब्रीफिंग देयर इन लुधियाना। नाउ ही टॉक्स अबाउट 7 गारंटीज, इंक्लूडिंग द वन दैट ही जस्ट मेड about starting press clubs in all the major cities of Punjab. Most of the guarantees are with regards to health, electricity, mohalla clinics, and of course on the very basic facilities of infrastructure, including a guarantee with regards to accident compensation or road accident compensation. So some of these we'll list out for you subsequently on Mirror Now.